आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अगला क्वेश्चन है कि एक पैसेज हमको दिया गया है और ये कहा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर। यहाँ पर पैसेज है, कैन यू डैश अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग्स, हु बट ह्यूमंस डैश हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड अ डैश एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। द पीपल लिविंग इन अ कंट्री आर इम्पॉर्टेंट टू डैश द इकॉनमी एंड द सोसाइटी, दे डैश आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। Select the most appropriate option that will fill in the blank number 1. तो यहाँ पर चार ऑप्शन भी हमको दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यदि हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो है रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है महसूस कराना। तो यहाँ पर ये कैन यू रियलाइज अ वर्ड, तो यहाँ पर ये सुटेबल नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉट सुटेबल है। दूसरा है फिगर, तो फिगर का मतलब किसी आकृति से जुड़ा हुआ, तो फिगर वर्ड भी यहां पर सुटेबल नहीं है, क्योंकि इससे कोई सेंटेंस प्रॉपर बन नहीं रहा। तीसरा वर्ड है डिवाइस, तो डिवाइस जो है वो किसी युक्ति से जुड़ा हुआ है, तो ये भी यहां पर सुटेबल नहीं है। अब यदि हम चौथा वर्ड देखें तो चौथा वर्ड ही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग्स। मतलब क्या आप किसी ऐसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं जहां पर इंसान नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।